ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੇ ਕੱਚੀ ਲੈ हो गया एक बार और पीछे से सर प्रेस नोट नहीं नहीं ये वहाँ से देगा जी से देगा प्रेस नोट ये देगा जी वाला देगा आप नहीं एक फोटो इसके बारे में ये है जी कि आज मिस्टर एच एस सिद्धू जो स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एसडीओ मोहाली पुलिस स्टेशन में हमने रुका भेजा एंड मीनवाइल हमने इन्फॉर्मेशन के पे बेस करते हुए बीएसएफ ऑफिसर्स के साथ तालमेल करके अक्रॉस द फेंस जाकर जो सर्च किया एरिया एज पर इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से हमको ये 10 पैकेट रिकवर हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव हैं तो ऐसी हरकतें हो रही हैं अब पंजाब पुलिस का कैसा अभियान रहेगा? जी पंजाब पुलिस तो हमेशा से ही नशे के खिलाफ काम कर रही है और काम करती रहेगी और जो भी ऐसे किसी सामने आएंगे हम ट्रेस करेंगे। तो ऐसी असाइनमेंट जैसे आती हैं तो जो लोग शामिल हैं उनका आगे कुछ मालूम पड़ा है कि कौन कौन इसमें शामिल है? हमारे पास कुछ लीड्स हैं जी कि जो रिसीविंग पार्टी कौन है कौन लेने आ रहा था किसके लिए है वो अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो जैसे ही कुछ चीज़ सामने आएगी मैं आपको बताऊँ। किसान से बरामद नहीं हुई है जी। उसके खेत से जो बरामद हुई है हाँ उसकी जिसका भी खेत है ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा जी। ये जो हमारा असेसमेंट है इन्वेस्टिगेटिव जो असेसमेंट है उसमें 2 से 3 दिन पहले ये सामान वहाँ पे है नहीं कंसील की हुई थी जमीन में थी जमीन में दबाई हुई थी कनक है जब जमीन में दबाई हुई थी। देखो इस चीज़ की कोई कीमत नहीं होती सब अंदाजे होते हैं इस करके मैं तो कोई कमेंट नहीं कराँगा कीमत बारे। एक कहाँ पर रजिस्टर किया सर मामला? एसटीएफ पुलिस स्टेशन मोहाली थी मोहाली में। हाँ जी एसटीएफ लुधियाना और फिरोजपुर की इन्फॉर्मेशन एआईजी श्री स्नेहदीप जी और इनकी पार्टी ने खबर दिया था कि ऐसे फेंसिंग के पार में कुछ कंसाइनमेंट छुपा हो सकता है तो कल शाम को इनकी पार्टी आई थी। कल शाम से ही हम सर्च अभियान चला रखा था तो कल भी सर्च किया फिर आज जॉइंट टीम एसटीएफ बीएसएफ और हमारी जी टीम बीएसएफ की तो संयुक्त अभियान में हमने वहाँ पर पूरा सर्च किया बॉर्डर के आगे। सुबह पार्टी सुबह से ही लगी हुई थी उसमें हमने वहाँ पर 10 पैकेट सस्पेक्टेड टू बी हीरोइन के वहाँ पे सीज किए। बाकी इसके बारे में डिटेल आपको स्नेहदीप जी एआईजी एसटीएफ बताएं। तो वजन कितना है इनका? ये इनका वजन है 9 किलो 300 ग्राम। ये पुराना उसका रिकॉर्ड ये है कि जिसके खेत से मिला है ये पहले भी इसमें लट टाइप मतलब उसकी जो चाल चलन है वह अच्छा नहीं है। सूरत सिंह है उसके बगल में ही एक साधु सिंह है उसको भी हमने 1-2 महीने पहले पकड़ा है 2 पैकेट मतलब 4 पैकेट पकड़ते उसको हमने रेड हैंड पकड़ा है तो उसी के बगल में ये खेत था। अभी किसान था नहीं वहाँ पे ये तो मतलब किसान के खेत में ये सीजर मतलब हमने सीज किया। अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैटर है पुलिस इसके बारे में आगे कार्रवाई करेगी। फेंसिंग के पार के फेंसिंग के पार और आईबी के बीच जी जी कौन सी चौकी के पास से ये GG2 हमारी पोस्ट है 96 बटालियन के कमांडेंट साहब की लीडरशिप में उनकी अगुवाई में एसटीएफ की पार्टी और हमारी जी ब्रांच सब ने मिलकर है ये संयुक्त अभियान में ये सीजर किया बैठी।